दुनिया की जहां सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका है, तो वहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। भारत के लिए जहां अमेरिका की अहमियत है, वहीं अमेरिका के लिए भी भारत उतना ही जरूरी है। शायद यही कारण है कि अपने अपने रीजन में अपना प्रभुत्व रखने वाली ये दोनों शक्तियां अब धीरे धीरे नजदीक आती नजर आ रही हैं। लेकिन ये स्थितियां हमेशा से ऐसी नहीं रही हैं। साल 1947 से लेकर 2020 के बीच दोनों मुल्कों में कई ऐसे मोड़ आए जब लगा कि इन दोनों मुल्कों की राहें अब अलग अलग हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां भी पैदा हुई जब पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका ने भारत की मदद की और वहीं भारत ने अमेरिका की। तो चलिए किस्सा आज तक पर, आज मैं भूपेंद्र सोनी आपको सुनाऊंगा किस्सा भारत और अमेरिका के दशकों पुराने संबंधों का। साल 1947 में दुनिया में महज दो ही शक्तिशाली खेमे थे, पहला सोवियत संघ तो दूसरा अमेरिका। आजादी के बाद भारत को यह फैसला करना था कि उसे इनमें से किस खेमे के साथ जाना है। पाकिस्तान ने जहां अमेरिका को चुना, वहीं भारत ने गुटनिरपेक्षता नीति अपनाई। इसी के चलते साल 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका दौरा किया ताकि वो सोवियत यूनियन और अमेरिका को ये जता सके कि भारत इन दोनों मुल्कों में न्यूट्रल रहना चाहता है। साल 1950 में अमेरिका ने भारत को अपने करीब लाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC में परमानेंट मेंबर की सीट भी ऑफर की, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने लेने से इनकार कर दिया। उस वक्त भारत अपने न्यूट्रल स्टैंड पर इतना अडिग था कि उसने साल 1950 में कोरियन युद्ध में अमेरिका द्वारा UN मिलिट्री उतारने का UN में विरोध किया, तो वहीं चाइना को 38th पैरेलल लाइन क्रॉस करने के लिए लताड़ भी लगाई। साल 1955 में पाकिस्तान बगदाद पैक्ट के तहत सीटो और सेंटो का सदस्य बनकर अमेरिका का आधिकारिक तौर पर अलाय बन गया, तो वहीं भारत ने NAM यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा बने रहने में ही समझदारी समझी। साल 1959 में अमेरिकी प्रेसिडेंट आइजनहावर ने भारत का दौरा किया, उस वक्त अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा था। लेकिन साल 1962 में इन दोनों मुल्कों के रिश्तों में नया मोड़ आया जब चीन और भारत के युद्ध में अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने भारत की मदद की, जिसके चलते चीन को पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, भारत और चीन के बीच विवादित मैकमोहन लाइन के विवाद में भी अमेरिका ने भारत का ही साथ दिया। फिर साल 1963 में अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ नॉर्मन बेरलॉग भारत आए और उनकी मुलाकात भारतीय विशेषज्ञ MS स्वामीनाथन से हुई, जिसके बाद भारत में हरित क्रांति का बीज पड़ा, जिसने आने वाले 10 सालों में भारत के अनाज संकट को दूर किया। उस वक्त भारत में जॉन एफ कैनेडी की वजह से अमेरिका को मित्र राष्ट्र की तरह देखा जाने लगा था। लेकिन साल 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होने की वजह से और साल 1966 में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप का भारत द्वारा विरोध करने की वजह से दोनों मुल्कों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। उधर साल 1971 में भी बांग्लादेश में बन रहे हालातों पर अमेरिका ने चुप्पी साधे रखी, तो वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने भारत को मिलने वाली $87 मिलियन की आर्थिक मदद पर भी रोक लगा दी। यही वो वक्त था जब भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता नीति से हटकर सोवियत यूनियन के साथ दोस्ती और सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1971 के युद्ध में अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। साल 1974 में जब भारत ने पोखरण में पहला परमाणु टेस्ट किया, तब अमेरिका ने भारत पर कई पाबंदियां लगा दी। लेकिन साल 1977 में जब देश में मोरारजी देसाई की जनता सरकार सत्ता में आई, तो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक पर से कई पाबंदियां हटा ली, जिसके चलते भारत को $60 मिलियन की आर्थिक मदद मिल सकी। साल 1978 में जहां मोरारजी देसाई ने अमेरिका का दौरा किया, तो वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर भी भारत आए।
लेकिन भारत के परमाणु संयंत्रों के परीक्षण की अमेरिकी मांग को भारत द्वारा ठुकराए जाने पर अमेरिका ने भारत के साथ सभी तरह के परमाणु समझौते खत्म कर दिए। इन दोनों मुल्कों के रिश्ते फिर से सामान्य होने लगे साल 1980 में, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। उस वक्त भारत का झुकाव फिर से अमेरिका की तरफ हो गया। लेकिन साल 1984 में भोपाल में गैस लीक त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन के अमेरिका से प्रत्यर्पण को लेकर दोनों देश फिर से आमने सामने आ गए। साल 1990 की गल्फ वॉर के दौरान भी भारत को ना चाहते हुए दबाव में अमेरिका की मदद करनी पड़ी। फिर 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद दोनों देशों में व्यापारिक रिश्ते काफी तेजी से फलने फूलने लगे, जो आज तक बादस्तूर जारी है। लेकिन साल 1998 में जब भारत ने फिर से परमाणु टेस्ट किया, तब भारत और अमेरिका के रिश्ते लगभग खत्म होने के कगार तक पहुंच गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिकी राजदूत को भारत से वापस बुला लिया और भारत पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी, जिन्हें 2001 में हटाया गया। 1999 के करगिल युद्ध में भी पाकिस्तान को भारत के कोप से बचाने वाला अमेरिका ही था, लेकिन उस युद्ध में भी अमेरिका ने अपने GPS की मदद से भारत को चोटी पर बैठे घुसपैठियों की जानकारी देने से मना कर दिया था। खैर, साल 2005 में अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस की भारत यात्रा के बाद दोनों मुल्कों में हालात फिर से बदल गए। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा समझौता हुआ और साथ ही भारत पर से 30 साल पुराने परमाणु कारोबार पर लगी रोक को भी हटा लिया गया, जिसके बाद भारत और अमेरिका ने पहली बार इंडिया US स्ट्रेटेजिक डायलॉग की नींव भी रखी। फिर आया साल 2014, जब नरेंद्र मोदी ने देश में प्रधानमंत्री पद की गद्दी संभाली। उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया, जिसके बाद साल 2018 को छोड़कर 2014 से लेकर 2019 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाते रहे हैं। 2014 के बाद से ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नई तेजी देखने को मिली है। लेकिन रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात हो या फिर पाकिस्तान को F-16 देने की बात, यही नहीं, भारत को ईरान से तेल ना खरीदने के अमेरिकी फरमान पर भी भारत और अमेरिका के बीच अक्सर ठनती रही है। लेकिन हमें अमेरिका में हाउडी मोदी और भारत में नमस्ते ट्रंप को भी देखना होगा, जो इन दोनों मुल्कों में पनप रहे नए रिश्तों की ओर इशारा करते हैं। लेकिन इन सबके बीच हमें बाकी फैक्ट्स को भी जान लेना चाहिए। जैसे भारत और अमेरिका के व्यापार की बात करें तो साल 2018-19 में भारत ने अमेरिका को $52.4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, तो वहीं $35.5 बिलियन का इंपोर्ट भारत ने अमेरिका से किया है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की जनसंख्या की बात करें तो इनकी संख्या बनती है 3.9 मिलियन, जो अमेरिकी आबादी का लगभग 1.2% है। गैलप्स एनुअल वर्ल्ड अफेयर्स सर्वे की माने तो साल 2019 के सर्वे के मुताबिक लगभग 72% अमेरिकन भारत को एक मित्र राष्ट्र की तरह देखते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से भारत आ रहे हैं और ऐसे में दोनों मुल्कों के बीच कोई बड़ा व्यापारिक समझौता होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि ट्रंप पहले ही ऐसे किसी समझौते के होने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भारत को लेकर अमेरिकी दार्शनिक मार्क ट्वेन के विचारों की ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। मार्क ट्वेन के मुताबिक भारत मानव जाति का पालना है, मानवीय वाणी का जन्म स्थान है, इतिहास की जननी है और विभूतियों की दादी है, और इन सबसे ऊपर परंपराओं की परदादी है। मानव इतिहास में हमारी सबसे कीमती और सबसे अधिक अनुदेशात्मक सामग्री का भंडार केवल भारत में है, और भारत इसी सम्मान का हकदार है। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं हमारा शो किस्सा आज तक।